आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क TTI न्यूज और खबर मथुरा के गोवर्धन से है। रेलवे मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव ने गोवर्धन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे मंडल अध्यक्ष सुबह ही अपने स्पेशल रेल के जरिए गोवर्धन स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर चल रहे मरम्मत कार्य और स्टेशन पर लगी टीन शेड का बारीकी से निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आज मथुरा से अलवर तक के स्टेशनों का निरीक्षण किया जाएगा। वहीं गोवर्धन स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाया जा रहा है। गोवर्धन स्टेशन की कायाकल्प का कार्य निरंतर जारी है। वहीं यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके और कोई भी दुर्घटना ना हो, साथ ही अपने दौरे के बारे में बताते हुए स्टेशन के लिए आने वाली सड़क को रेलवे विभाग के दायरे में पड़ने वाली सड़क पर जल्द कार्य शुरू करने की भी बात कही। गोवर्धन स्टेशन के निरीक्षण के बाद रेलवे मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव का काफिला राजस्थान के लिए निकल गया। देखिए, ये निरीक्षण जो है एक सतत प्रक्रिया है रेलवे में। हमारे बहुत सारे पूरे रेलवे सिस्टम में मथुरा अलवर सेक्शन में बहुत सारे काम चल रहे हैं। उन्हीं कामों की के निरीक्षण के लिए आज हम निकले हैं और सभी स्टेशन्स का पहले तो ये समझ लें, सभी स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें से गोवर्धन एक है। आप लोगों को जान के खुशी होगी, गोवर्धन हम इसको एक आदर्श स्टेशन की तरह डेवलप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम यहाँ किए गए। आपको पहले का भी गोवर्धन स्टेशन पता होगा और अभी जो काम आप देख रहे हैं उसको देख के आपको लगा होगा कि बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है और इस काम को हम बहुत शीघ्र ख़त्म कराने वाले हैं। कुछ यहाँ पे जो लोगों ने बताया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ के स्टेशन मास्टर जो इंचार्ज हैं हमारे, उन्होंने कुछ बताई है कमियाँ जो कि उसमें ऑलरेडी ये लोग प्लान किए हुए हैं और हमने इनसे बोला है कि आप जो है इसको सारे के सारे जितनी भी समस्याएं यहाँ पर हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो ख़त्म कर दें। अगर आपको याद होगा कि ये यहाँ पर कोई शेड बहुत छोटा शेड हुआ करता है, पूरा शेड बन गया है यात्रियों के लिए। और इसी तरीके से आपने देखा एंट्रेंस इसका बहुत छोटा सा, उसको हमने बढ़ाया क्योंकि हम भविष्य में इसको एक अच्छे स्टेशन तरह डेवलप करेंगे और यहाँ पर ज़्यादा यात्री आएंगे और उनके लिए बराबर यात्री सुविधा के लिए यहाँ पे डेवलप। सर यार सीढ़ियों में भी सर यहाँ पे टूटी हुई है बता रहे हैं। बिल्कुल पता चला है, सीढ़ियाँ वो ऑलरेडी प्लान्ड है रिपेयर में और इसीलिए मैंने इनको बोला कि अभी जितने भी डिफेक्ट हैं उनकी आज की फ़ोटो हो जाए और उसके बाद जब रिपेयर हो जाए उसके बाद फोटो, सो दैट उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाए। पेयजल के लिए बड़ी समस्या रहती है सर यहाँ पे, पेयजल के लिए भी बोरिंग की व्यवस्था की जा रही है, हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए हमने टैंकर से व्यवस्था कर रखी जो कि टैंकर के द्वारा हमारे जो सभी के ऊपर टैंक लगे, पानी की टंकी लगी हुई है उसमें पानी भर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए एक समुचित व्यवस्था एक हम बोरिंग द्वारा करने की कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा शायद खारे पानी की भी समस्या एक बताई जा रही तो इसके लिए बोरिंग थोड़ी दूर करी जा रही है, शायद वहाँ में मीठा पानी प्राप्त होगा। सर सुरक्षा दृष्टि से कुछ प्रश्नोगी नहीं है सर, एक सफाई के रामरू से ये पड़ा रहता है सर। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, हमारे यहाँ RPF की जो व्यवस्था है, RPF की यहाँ पर ड्यूटी निरंतर लगाई जाती है और वहाँ से वो मथुरा से कंट्रोल होता है। आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे RPF की एक बार कोड लगा हुआ है, उस बार कोड से हम उनकी मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं कि वो यहाँ पर हैं नहीं हैं। और भविष्य में जैसे जैसे हमारे पर यात्री दबाव बढ़ेगा हम उसके आगे भी प्रयत्न करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें और स्टाफ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हम भविष्य में जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर और उनका बंदोबस्त बढ़ाएंगे। सर घटनाओं के समय वैसे यहाँ RPF नहीं आ पाती सर जल्दी और यहाँ तैनाती भी नहीं है तो एक चौकी अगर यहाँ पंचायत के बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 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 तो जैसा आपको पता होगा कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं लेकिन यहाँ पर बीट जो बनी हुई है उसके हिसाब से निरंतर यहाँ पर RPF का स्टाफ आता जाता रहता है। कभी कभार ऐसा केस में अगर थोड़ा टाइम लगता है, उनको हमने व्हीकल भी प्रोवाइड किया हुआ, मथुरा से आने में इतना विलम्ब नहीं लगता। बट आपकी आपका जो पॉइंट है उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे जो हमारे सिक्योरिटी विभाग के इंचार्ज हैं कि यात्री दबाव जैसे आगे बढ़ेगा हमारा हम उसको व्यवस्थित। रेलवे स्टेशन क्या रोड जो खराब पड़ा है, रोड हमारी जो सीमा में है उसको हम ठीक कराएंगे, जो हमारी सीमा आपकी सीमा में
जो हमारी सीमा में है उसको ठीक कराएंगे। रोशनी दोनों लाइट भी नहीं, रोशनी भी हमारी सीमा में जितनी है रेलवे की सीमा में उसमें हम ठीक कराएंगे। वो पॉइंट सर क्या है, एंट्री पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, हम इसको आदर्श स्टेशन की तरह ले रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक हमारे बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आप हमको बताते हो सकता है हमारे लोग हमको ना बताएं, बट आप बताते हो। आपने जैसे बताया हमें पता चल गया सीढ़ी खराब है, हमने तुरंत समझ लिया कि सीढ़ी में जरूर कुछ हो।